जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जहांगीर के विषय में। तो जहांगीर एक बहुत ही न्यायप्रिय एवं बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्थापित राजा था, जिसके विषय में आज हम इतिहास को बताने जा रहे हैं। तो जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। जहांगीर की मां का नाम मरियम उजमानी था। अकबर जहांगीर की शेखों बाबा के नाम से बुलाता था। जहांगीर के गुरु अब्दुल रहीम खान खाना थे। जहांगीर 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। जहांगीर का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से आगरा में हुआ। जहांगीर का विवाह राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से तथा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। मान बाई सलीम जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी, किंतु बाद में उसने सलीम की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। इसकी आदतें कुछ दूषित प्रकार की थीं। जहांगीर बड़ा ही न्यायप्रिय शासक था। न्याय शुद्धता रखने के लिए उसने आगरा किले के शाहबुर्ज पर एवं यमुना तट पर न्याय की जंजीर नामक 60 घंटियां लगवाई। लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई। इसके बाद जहांगीर का प्रथम आदेश तमगा नामक कर वसूली पर प्रतिबंध लगाया। जहांगीर का पांचवा आदेश शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन पशु हत्या पर प्रतिबंध था। जमान बेग को महावत खां की उपाधि दी गई। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई। सम्राट जहांगीर एवं राणा अमर सिंह के बीच 1615 ईस्वी में संधि हुई। जहांगीर के समय अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था। गोरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत मलिक अंबर ने की। मलिक अंबर ने जंजीरा द्वीप पर नौसेना गठित की। 1616 ईस्वी में शहजादा खुर्रम को दक्षिण अभियान के लिए भेज दिया गया। शहजादा खुर्रम को शाह सुल्तान की उपाधि दी गई। जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर उसे शाहजहां की उपाधि दी। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना को बनाया। नूरजहां ईरानी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। इसके बाद मेहरुन्निसा अली कुतुब कुली खां शेर अफगान की विधवा थी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को सर्वप्रथम नवरोज त्यौहार के अवसर पर देखा था। जहांगीर को शादी मेहरुन्निसा से 1611 ईस्वी में हुई। इसके बाद मेहरुन्निसा बहुत ही सुंदर एवं सुशील महिला थी। जहांगीर ने शादी के बाद मेहरुन्निसा को नूरजहां नूर महल की उपाधि प्रदान की। नूरजहां को बादशाह की बेगम 1613 ईस्वी में बनाया गया। इसके बाद जहांगीर ने नूरजहां के पिता गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की। नूरजहां की मां का नाम असमत बेगम था। सर्वप्रथम इन बनाने की कला असमत बेगम ने विकसित की। जहांगीर एवं नूरजहां को महावत खां ने एक बार बंदी बना लिया था। जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, विलियम फिन, सर टॉमस रो एवं एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री आए थे। इसके बाद जहांगीर के 5 पुत्र हुए। इनमें लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री थी।
और फिर लाडली बेगम के बाद उसने अनारकली से प्रेम संबंध स्थापित किया। अनारकली भी बहुत ही सुंदर एवं सुदृढ़ रूपवान सब कुछ संपन्न महिला थी। उसने उसके साथ आदरपूर्वक विवाह कर लिया। लाडली बेगम की शादी सहार यार के साथ हुई। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के काल में ही पहुंची। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार मंसूर विसंदास, मनोहर अकारिजा एवं अबुल हसन थे। इसके बाद कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने ही लगवाया था। इकबाल नामा ए जहांगीरी मौत मिल खान ने लिखा है। जहांगीर एवं एतमादुद्दौला का मकबरा नूर जहां ने बनवाया। इसके बाद जहांगीर की मृत्यु नवंबर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर हुई। जहांगीर को रावी नदी के किनारे सहादरा में दफनाया गया। शाहजहां नूरजहां को 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में देता था। इस प्रकार हम जहांगीर का पूर्ण विस्तृत इतिहास आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम शाहजहां के पूर्ण विस्तृत इतिहास का वर्णन करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, शाहजहां का इतिहास देखना बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।